एट दिस व्यू. मैं लिटरली इस व्यू के साथ उठी हूँ एंड इट इज सुपर सुपर प्रिटी. इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए कि आप सुबह उठ के ये नजारा देख रहे हो, मजा ही आ गया. एंड इफ यू सी दिस माउंटेन रेंज, ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज है, ये वाला जो पोर्शन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि इट लुक्स लाइक अ लेडी स्लीपिंग, लाइक द हेयर, द फेस, एंड यू नो यू कैन सी दैट द लेडी इज स्लीपिंग. सो दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन. एंड कल मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट जब मैं बाद में गूगल वगैरह पे देख रही थी तब मैंने देखा कि दिस रेंज इज कॉल्ड द स्लीपिंग ब्यूटी रेंज. एंड अभी मैंने सामने सुबह उठ के देखा तो आई नोटिस किया रही तो मेरे रूम से दिख रहा है. एंड आई डोंट नो इफ द कैमरा वॉज एबल टू कैप्चर इट प्रॉपरली और नॉट, बट सामने से देखने में इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ लेडी स्लीपिंग विथ हर हेयर ओपन पीछे के साइड. एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, लाइक पूरे ग्रीन माउंटेन्स है एंड उसके बीच में सिर्फ एक रेंज दिख रही है विद व्हाइट माउंटेन्स. एंड इट लुक्स सुपर प्रिटी. एंड जो बादल है वो पूरे से भारी होकर नीचे आ गए हैं, मजा ही आ गया. लाइक दिस व्यू आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ. वाओ, लाइक आई एम जस्ट इन लव विद दिस व्यू. आई कैन लिटरली सिट हियर द एंटायर डे एंड वॉच दिस व्यू. बट अभी हमारा प्लान है, सो बेसिकली पहले प्लान था हमारा जो ओली का रोप वे है वो हम लोग करने वाले थे. एंड लाइक दैट इज इंडिया का या एशिया का लार्जेस्ट और द सेकेंड लार्जेस्ट रोप वे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट देन येस इट इज समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू मिस ऑन इफ यू आर ह्योर इन जोशीमठ और ओली. बट हम लोग को वो मिस करना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश जैसे कल हो रही थी तो कल तो उसके टिकट्स नहीं मिल रहे थे. एंड आज भी थोड़ा बहुत ड्रिजल हुआ है सुबह, अभी तो रुक चुकी है बारिश पूरी तरीके से. तो आई डोंट नो कि मुझे रोपवे की टिकट्स मिलेंगे कि नहीं, मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ. अगर मिल गई तो फिर तो हम लोग वही करने वाले हैं, अगर ऑनलाइन नहीं मिली तो एक बार मैं जाके नीचे ऑफलाइन टिकट काउंटर पे भी चेक करने वाली हूँ. बट यस, अगर उसके टिकट्स हमें नहीं मिलते हैं तो देन वी विल एक्सप्लोर बाकी की चीजें. वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स हियर, तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा घूमने के लिए मंदिर वगैरह ही है, तो हम लोग वही सब देखने जाने वाले हैं. एंड मतलब अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ एग्जैक्टली जाने वाले हैं, बट देन यस अभी भाई सो रखा है, उठ गया है लेकिन बेड पे ही पड़ा हुआ है, तो हम लोग जाके रेडी होते हैं एंड उसके बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे कि हम लोग को कहाँ जाना है. एंड आई टेक यू गाइस अलोंग. एंड रही बात ब्रेकफास्ट की, तो कल डिनर के बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का तो प्लान बिल्कुल ही खत्म हो गया है. क्लाउड सो प्रिटी, क्योंकि यहाँ का खाना इज लाइक नॉट गुड, टेस्ट बेकार है, नमक तो ऐसे लग रहा है इन लोग के पास है ही नहीं. तो ब्रेकफास्ट हम लोग नीचे मार्केट में ही करने वाले हैं. नाउ आई एम गोना गो गेट रेडी एंड देन कैच इट इन अ बिट. Many hours later. So I am ready now. This is the look for the day. मैंने ये येलो कलर की कुर्ती पहनी है क्योंकि यहाँ पे मंदिर वगैरह हम लोग जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुर्ती वुड बी गुड. एंड पहले मैंने प्लाजो डाला था बट वो वाइट था और नीचे कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो फिर मैंने ये पहन लिया. एंड अभी तो बादल बादल हट गए, सो यू कैन सी द व्यू अगेन, इट लुक्स प्रिटी. तो अभी हम लोग अपने होटल से बाहर निकल गए हैं एंड मैंने शॉल डाल लिया क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रही है एंड बारिश भी लग पड़ी है. थैंकफुली छाते कैरी किए थे, तो अभी हम लोग इस साइड निकल रहे हैं. दैट्स माय ब्रदर, दोनों ने शॉल और छाता ले लिया है. एंड अब हम लोग यहाँ से पैदल पैदल निकले हैं, जहाँ से कल हमने टैक्सी ली थी ऊपर आने के लिए. सांस ही फूल गई. जो मेन जोशीमठ का बस स्टैंड है उधर तक सोच रहे हैं कि पैदल निकल जाए क्योंकि यहाँ पे तो कोई टैक्सी वगैरह दिख नहीं रही है. उसके आगे हम लोग फिगर आउट करेंगे कि कहाँ जाना है. अभी मैंने अपने होटल वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो ओली रोपवे है वो तो स्नो वाले टाइम पे ही चलता है, अभी इस टाइम पे नहीं चलता है. वी डिडंट नो दैट. यहाँ आसपास में लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हम लोग जाने वाले. अभी तो इधर आप व्यू देखो, एकदम पूरा कोहरा लग चुका है एंड बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है. तो पैदल पैदल निकल चुके हैं हम लोग इधर. एंड रास्ते में अगर कहीं मार्केट या कोई होटल वगैरह मिलता है तो वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे. अभी तक तो कुछ खाया नहीं है सुबह से. बाकी फिर नीचे टैक्सी वालों से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ वो हमें घुमा सकते हैं, क्योंकि आज तो हमारा यहीं स्टे है, उसके बाद कल हम लोग कहीं और जा रहे हैं. गौ मोड हाय बोल दे. ओ हेलो.
यहाँ से जोशीमठ 2 किलोमीटर है, चलेगा 2 किलोमीटर? चल फिर। भूख तो नहीं लग रही? सही हो रहा है वैसे मौसम? हाँ। लव द डॉग्स हियर, मतलब यहाँ का नेचर इज सो प्रिटी। मौसम ऐसे खराब हो रहा है एंड ये मम्मी को अपडेट्स दिए जा रहे हैं। गो इधर आ, घूम रहा है, कोशिश कुछ मजा आ रहा है। दिखा कहाँ है मम्मी? मम्मी दिखा अपनी शक्ल, दिखाओ मम्मी। मम्मी हाय बोलो। ये हमारे कान्हा जी। जो सुंदर मुझे उत्तराखंड लगता है, लाइक इट इज जस्ट सो प्रिटी। यहाँ आके बिल्कुल ऐसे घर वाली फीलिंग आने लग जाती है। अभी सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव आई हुई हूँ और ऐसी सड़कों पे निकले हुए हैं घूमने के लिए, तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई बोर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मंदिर वंदिर वाली जगह है। अदर देन दैट मुझे तो ऐसे भी बहुत मजा आ रहा है, किसी स्पॉट वगैरह पे नहीं भी जा पाए तो ऐसे सड़कों पे घूम के वापस आ जाएंगे। लविंग इट हियर। गाओ, एक खाने का सेंटर उधर दिख रहा है नीचे, बेस्ट। कहाँ से जाएंगे? ठीक है, पूछ लेने से कितनी दूर है मार्केट। अरे वाह, तो हमें ये कॉर्नर मिला है, श्री रेस्ट्रो हमारे होटल से थोड़ा सा नीचे है। दो कॉफी कर दो। मुझे कॉफी नहीं चाहिए। आपके मेन्यू में रोंगपा जिया लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है? और रात में कब तक खुलती है दुकान? 8:30। सब तो ये डिनर में बनाते हो, बटर चिकन वगैरह? मैं ऑर्डर मतलब वेज मिल जाता होगा, नॉन वेज ऑर्डर पे बनता होगा। तो अगर मैं शाम को जैसे 7 बजे के करीब आती हूँ तब बोलूँ तो बन जाएगा फिर? अच्छा हाँ, ये ठीक है, मैं नंबर ले लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो तभी देखते हैं, अगर पहले हम लोग के घर मिल के तो वहाँ बैठी कर दे रहा हूँ, नहीं तो 100 लगेंज। पर यहाँ नहीं फोन, यहाँ भी तो पैक कर दी रूम में। फूड वॉज एक्सट्रीमली टेस्टी। कल जो होटल में खाया उसके आगे तो ये खाना बाप रे इतना बढ़िया लग रहा था, मजा ही आ गया। गो, रेट द फूड आउट ऑफ 5। यस, मजा ही आ गया और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था एंड द टेस्ट वॉज वेरी वेरी गुड। तो काफी ज्यादा मजा आ गया, अभी पेट भर चुका है एंड अभी हम लोग वापस जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी पे नीचे नीचे चल रहे हैं। बस स्टैंड तक तो ऐसे ही जाएंगे और ये मुझे रास्ते में गौरव दिखा है। तो गो, कैसा लगा तुझे अपना जुड़वा भाई देख के? तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं बस स्टैंड तक, उसके आगे देखेंगे कि टैक्सी हमें किधर तक ले जा सकती है। उसके अलावा कल हम लोग को जहाँ जाना है, मतलब कल हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, तो उसके लिए भी पता करना है कि हमें कहाँ से बस। वो बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, वेरी प्रीटी। अभी पूरा व्यू दोबारा से क्लियर हो गया है, फॉग वॉग हट गया है। पूछ किसी से बास्केटबॉल मिलती है तो खेल लियो। तो और मैं खेलेंगे ना? अरे खेल लूंगी, नहीं भी आता तो। भाई सामने देख भाई, कितना हेवनली नहीं लग रहा है? मस्त है यार, पहले लग रहा था मुझे कि ऐसा फॉग है, पर ये फॉग नहीं है, क्लाउड्स हैवी होकर नीचे आ रखे हैं। गो, बिच्छू पकड़, 500 रुपए दूंगी। हैं
गौ नहीं, मैं तो गौ को बुला रही थी। बॉम्बास्टिक साइड गौ माता को मारेगी ना सीधी। भाई हंस तो लेता था जोक मारा मैंने। जोक में हंसी अपना हो जाती है जैसे कुछ आई है। हाँ तो जोक तो था मैंने जो मारा उस पर हंस रही मैं। ये यहाँ का आर्मी स्कूल है देख। प्री प्राइमरी क्या होता है? मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ हो गई हूँ यहाँ के लग रहा है। अच्छा अच्छा सही यार। भाई तू सोच इस स्कूल में पढ़ाई करने में क्या मजा आता होगा हैं? क्लास के भाई मैं तो बदतमीजी करती रहती, मुझे क्लास के बाहर निकाल देते, मैं नजारे देखती रहती। आर्मी स्कूल है। अच्छा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किसका फोन आया? मम्मी हर 5 मिनट में वीडियो कॉल क्यों कर रही हो आप? हाँ वी हैव एवरीथिंग आर्मी। ये आर्मी का पोस्ट ऑफिस, यहाँ नीचे एक जगह पे लिखा है आर्मी का बार्बर शॉप, पीछे आर्मी का कैंटीन भी था, एंड ये भी किसी का ऐसे ही घर है। एंड दिस हाउस इज सो बिग एंड प्रिटी, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लुकिंग एक्सट्रीमली प्रिटी। एंड इस भाई को मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये हर 5 मिनट में अपने घर पे वीडियो कॉल कर दे रहा है। A few moments later. So, ये अभी हमने कैब कर लिया है, टैक्सी इधर से लोकल टैक्सी मिल गई थी, एंड हमने इनको लाइक पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था क्योंकि मौसम खराब हो रहा है उसके वजह से पैदल वैदल तो इतना ज्यादा जा नहीं सकते हैं, आधी चीजें बंद भी हो सकती हैं, तो हमने इनको बुक कर लिया है। तो जितने भी नियर बाय टूरिस्ट अट्रैक्शन हम वो ही अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किधर जा रहे भैया? नरसिंह मंदिर। सबसे पहले हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर देखने के लिए। और जो नरसिंह मंदिर है ना इसकी तलाई आप देखना, इसकी तलाई हो रही है बहुत पतली पतली, सुई सही पतली हो। वो क्या है वो भुजा होती है ना। अच्छा अच्छा तो आप अभी मंदिर के अंदर जाओगे बाहर रहोगे? अच्छा अच्छा सुई से पतली होगी फिर तो वो जिस दिन टूट गई ना तो उस दिन ये हो जाएगा। कलयुग खत्म? कलयुग खत्म जन्म हो जाएगा वो, मतलब 6 महीने विष्णु भगवान यहाँ रहते हैं। अच्छा महीने रहते हैं बद्रीनाथ। अच्छा तो उसी का हुआ है वो, तो भुजा टूट जाएगी तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन फिर यहाँ मंदिर बंद हो जाएगा ना। अच्छा ये जो बद्रीनाथ वाला है ये बंद हो जाएगा रास्ता। अच्छा तो ये हर साल वो भुजा बनती है और हर साल टूटती है? नहीं नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा टोटली बंद हो जाएगा? अब दो पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। अच्छा 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 तो उसके बाद जो बद्रीनाथ जी है वो भविष्य बद्री में जाएंगे? अच्छा मेरे बैग से वो निकाल दे मेरा पर्स अंदर। आते समय दे देना। अच्छा ठीक है आते समय दे देंगे, माला भी ले लेंगे। तो पर्स निकाल ही देना। किस चीज की माला है ये? हाँ वन तुलसी। और ये व्हाइट कलर के क्या है इसमें? अच्छा अच्छा शूज यही उतार दे इन अंकल को बोल उनके पास। मेरे को पता नहीं था सुबह 7 बजे भुजा इनकी दिखती, वरना सुबह ही आ जाते हम। तो नरसिंह मंदिर के तो दर्शन हो गए, उसके अंदर और भी काफी सारे मंदिर थे छोटे छोटे, बढ़िया था। अब हम नेक्स्ट किधर जा रहे हैं? ऊपर अच्छा शंकराचार्य मठ जा रहे हैं। गाइस आप भी खा लो प्रसाद। कौन से लड्डू है? तो अब हम अपने सेकंड स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ये है गुरु शंकराचार्य का तपस्या स्थल और यहीं पे अमर कल्प वृक्ष भी है। गो ये रहा भविष्य केदार। अच्छा 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 ये हनुमान जी का मंदिर।
भविष्य कह रहा है? हाँ लिखा तो है। हाँ यही है यही है। तो माना जाता है कि जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे वो और उनके डिसाइपल्स ने यहाँ पे चार मठ यानी कि मोनास्ट्रीज की स्थापना करी थी और ये उन्हीं में से एक है। इसका नाम है शंकराचार्य मठ और इसको ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसी के वजह से पहले इस जगह को ज्योतिर्मठ बोलते थे और अभी इसका नाम पड़ गया जोशी मठ। तो वो इसी मठ के नाम पे इस शहर का नाम जोशी मठ पड़ा है। काफी सुंदर जगह है पर अभी बारिश काफी ज्यादा तेज होने लग पड़ी है। ये है सारे नौ ग्रह और यहाँ से रास्ता जाता है प्राचीन गुफा का जिसमें कि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। टोटकाचार्य गुफा मार्ग। ओ यहाँ पे ना शंकराचार्य जी के जो डिसाइपल्स थे ना मतलब स्टूडेंट्स शिष्य टाइप्स उनमें से एक थे टोटकाचार्य। यहाँ से ऊपर लिखा है वे गौरव यहाँ लिखा है कि ये बहुत ही ज्यादा पवित्र गुफा है और शांति मन को करने के लिए यहाँ पे 5 मिनट आंख बंद करके चौपड़ी मोड़ के बैठ जा। हमने सीढ़ी पे 5 मिनट का टाइमर लगा के यहाँ पे हम मेडिटेट करने बैठे थे एंड इट वाज सो पीसफुल। लाइक पीछे से धीरे धीरे पानी की आवाज आ रही थी और बहुत नहीं मैं सोई मैं गॉड प्रॉब्लम नहीं सोई थी। तुझे कैसा लगा? मैं तो 2 मिनट में हट गया था। है? नहीं मैं सोई नहीं थी मैंने पूरे 5 मिनट किया। हाँ मुझे मिले। नहीं नींद नहीं आई थी मैं नहीं सोई थी मैंने मेडिटेट किया। इट वॉज सो पीसफुल। अभी हम लोग जा रहे हैं अमर कल्प वृक्ष देखने। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष समुद्र मंथन के टाइम पे अपियर हुआ था एंड ये वृक्ष सारी विशेष पूरी कर देता है एंड ये अमर है तब से अभी तक ये पेड़ मरा नहीं है। ये रूट्स होंगे ना यहाँ पे ट्रंक स्टार्ट हो रहा है। ये है पूरा कल्प वृक्ष। भाई कितना मोटा इसका ट्रंक है। तो ये पूरा जितना भी दिख रहा है ये सारा वही वाला पेड़ है एंड ऐसा बोलते हैं कि इधर आपकी विशेष पूरी हो जाती है। तपस्या करी थी और इनको सेवियर ऑफ सनातन धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो समय के धर्म थे बुद्धिज्म और है चार पांच उन्होंने इनके मंदिर में जो मूर्ति होती है बद्रीनाथ की हाँ उसको उखाड़ के अलग मंदिर ही बना फेंक दिया। फिर शंकराचार्य ने उस मूर्ति को वहां से निकाला उनका मंदिर दोबारा बनाया हाँ और वहाँ पे तपस्या करी और इसके अंदर गुफा भी थी अलकनंदा पेड़ के पास जहाँ पे वो रेस्ट करते थे। अलकनंदा पेड़ के पास कल्प वृक्ष के पास असली कल्प वृक्ष असली है ये बड़ा कितना लग रहा है देख इतना बड़ा पेड़ देख यही है ना इसके अंदर तभी तो अखंड ज्योति चली है। अब इधर आगे से राइट जाके वो है पूर्णागिरी देवी का मंदिर वहां चलते हैं। पर फूल कितने सुंदर हैं किस चीज के होंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तपोवन और हमारे भैया ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि पानी में गलती से भी पैर मत डाल देना क्योंकि यहाँ 2 मिनट में अंडे बॉईल हो जाते हैं तो हम भी बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ दूर से ही देखो धुआं आते हुए दिख रहा है ये मेरे भाई पहुंच गया ऊपर। और ये नेचुरल मुल्तानी मिट्टी है पर पूरी गीली हो रही है वरना मैं पैक करके ले जाती। इधर से हाथ पकड़ा रुको खींच लो मेरे ठीक है। मुझे गाड़ी से उतरती मुझे लगा अंडे की खुशबू कहाँ से आ रही है इधर सब अंडे उबाल उबाल के रखे हुए लोगों ने। सही है यार ये यार हमें भी लाने चाहिए लिटरली बॉइलिंग वाटर है। सो से ना फोन गिर जाए ए यार बदतमीजी मत कर। और यहाँ से नजारा
ऊपर एक झील है सोनी, ये है ये ऐसा पानी जो बॉडी के उसमें नहाते, तो ऊपर एक झील है जहाँ पे इतना मतलब गर्म पानी होता है पर ऐसा होता है कि लोग नहाते हैं। अच्छा तुझे अब मैं नहाने वाली कंडीशन में लग रही हूँ, बता रहा हूँ। नहीं नहीं ये देख लिया, ऊपर जा भी नहीं सकते, वो अलग रास्ता है, जा सकते हैं। तो हम ये देखने आए थे यहाँ। अबे भाई कि नेचर का कितना खतरनाक हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि ऐसा बहुत ज्यादा बड़े उसमें होगा, तो हाथ लगा दे फील हो जाए। नहीं नहीं मतलब बड़ी एरिया में होगा ये, बस इतना सा देखने आए थे हम। भाई सुन, बारिश का पानी नहीं गिर रहा है, गर्म पानी है। एक बार हाथ डाल दे यार, चल मेरी ऑडियंस के लिए इतना तो तू कर ही सकता है, ये प्रसाद है, वो शर्म कर ले बेशरम आदमी। गौरव एक बार हाथ डाल दे, 1,00,000 व्यूज। भैया ने बोला 8 डालोगे तो हो जाएगा, तभी तो 1,00,000 व्यूज। तू 1,00,000 व्यूज के लिए इतना नहीं कर सकता, हट यार। अच्छा नहाने वाले नीचे अब वहाँ जाएंगे। अरे हम वहाँ जा रहे थे ना तपोवन। अच्छा वो बस गाँव है, मेरे को लगा था तपोवन। मुझे भी ऐसे ही लगा। क्या नाम क्या बताया उस कुंड का? तप्ती कुंड। घर पापी लोग तो जल जाते हैं। तू मत जाइए, वो लेडीज का है भी नहीं, मुझे बॉयकट करा के जाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है। इसके बाद हम लोग को पैदल जाना है, काफी पतली सी सड़क है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं भविष्य बद्री के दर्शन करने। एंड वही स्टोरी है कि जब नारा नारायण वाले पर्वत दोनों मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो मंदिर बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो बद्रीनाथ जी है वो यहाँ पे आके दर्शन देंगे। अभी हम वहीं जा रहे हैं। क्या क्या होता है? हाँ ये बना हुआ तो है, ये ले ले, मेरे बैग से निकाल पैसे। पेटीएम होता है? यहाँ हो रही है ठंड क्योंकि ये है ज्यादा ऊंची ऑल्टीट्यूड पे और हम भीग चुके हैं बारिश में थोड़े बहुत, तो थैंकफुली शॉल लेके आ गए थे वरना तो यहाँ नहीं चल पाते। यहाँ स्वेटर वेटर पहन के आना चाहिए, बट हाँ है काफी ज्यादा सुंदर। ऑलमोस्ट देयर, वो जो ऑरेंज वाला है वहीं हमें जाना है। सांस फूल गई है, ठंड हो रही है, ऊपर से यहाँ पे हवा पतली है तो सांस नहीं ली जा रही है। लिटरली माई थ्रोट एंड चेस्ट इज स्टार्टिंग टू पेन अ लिटिल। और यहाँ पे शूज पहन के आना बेटर रहेगा क्योंकि बारिश की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है, तो फिसल रहे हैं इधर हम लोग। और इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेफ्टी अभी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार ऊपर पहुँच जाऊँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा बद्री विशाल फ्यूचर, सॉरी भविष्य बद्री विशाल। आओ हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। अरे चलना नीचे ही जाके खाएंगे मस्त से, मैं तो कह रही हूँ पैक करा के ले चलते होटल रूम में खाएंगे, क्या कहता है? खाना जो भी खाना होगा लंच। अरे तो वो नीचे जाके देखेंगे, मैं थोड़ी शेफ हूँ, बता। तो अभी हम लोग भविष्य बद्री के दर्शन करके आ गए हैं एंड वहां पे हम लोग काफी देर रुके। भाई रुक जा, गए हैं यहाँ पे, रुको मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ नीचे पहुंच के। A few moments later. अभी हम लोग लंच के लिए इधर आए हुए हैं तपोवन मार्केट में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी क्या लंच करना है। काफी सारे ऑप्शंस मतलब ढाबे एंड रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। Many hours later. So guys, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने रूम में। अभी बज रहे हैं कुछ कितने बज रहे हैं? कुछ 3:30 बज रहे हैं और हम लोग रूम पे वापस आ गए। मैंने चेंज कर लिया है, अभी लग रहा है बहुत जोर की ठंड क्योंकि मैं भीग गई थी और वहां पे मेरे को ठंड चढ़ गई थी। तो अभी
ठीक है, तो अभी हमने अपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन किया हुआ है और हवाबाजी कर दिए और अभी थोड़ा सही वार्म हो रखा है बेड, तो अभी हम लोग इसमें रिलैक्स कर रहे हैं। हम लोग बाहर से आते टाइम मोमोज वगैरह पैक करा के लेके आए थे, तो वो अभी खाएंगे। एंड साथ में चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। लाइक लोगों की प्रायोरिटीज देखो, यहाँ पे आधे दिन घूम के आ गए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने और मैं तो फिर अभी हम लोग यही मैच देखेंगे और थोड़ा बहुत खा पी के यहाँ पे यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। एंड खाने का ऑर्डर डिनर का हम देके आ गए, स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, तो अब वी आर गोना एंजॉय, क्योंकि अब बाहर जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है और अंधेरा यहाँ पे जल्दी पड़ जाता है। तो एनीवेज ये वाला ट्रिप उतना तो घूमने से ज्यादा इट वॉज फोकस्ड ऑन रिलैक्सिंग एंड टेकिंग दैट ब्रेक, तो हम लोग उतना ज्यादा एग्जॉस्ट होना नहीं चाहते थे, तो पूरे दिन मस्त घूम के आए। जो कौन सा मंदिर था, भविष्य बद्री मंदिर था, वहां पे मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि वहां के जो पंडित थे वो हमें वहां की जितनी भी मान्यताज हैं और जो मतलब स्टोरीज वगैरह हैं वो सब बता रहे थे, तो आई जस्ट डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिम और द टेम्पल, तो इसलिए वहां पे मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया। बट काफी अच्छे लोग हैं यहाँ के। एंड पूरे दिन का जो मैंने टैक्सी किया था, पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, तो जितनी भी जगह इन्होंने हमें घुमाया उन्होंने हमें चार्ज किया 3,000 कह रहे थे, 2,700 पे हम बार्गेन करके उनको 2,700 लिया उन्होंने, चुप रहे यार, 2,700 रुपए हम उनको दे के आए। तो टैक्सी वगैरह का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लाइक कंसिडरिंग कि ये ऑफ सीजन चल रहा है, लिटरली मुझे नहीं लगता रोड पे हमारे अलावा एक दो लोग और थे और कोई था भी नहीं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है लाइक ऑफ सीजन के हिसाब से भी काफी हाई चार्जेस थे, बट और कोई तरीका कन्वेंस का था नहीं, तो फिर वी थॉट कि ये सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह 8 बजे के निकले हुए हम लोग थे, अभी आ चुके हैं, सो नाउ वी आर गोना जस्ट रिलैक्स, आई एम गोना वार्म माई सेल्फ अप एंड सी यू एट डिनर टाइम। सो हियर इज आवर डिनर फॉर टुनाइट। आज हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है लाइक अ लोकल रेस्टोरेंट, एंड हमने ऑर्डर किया है चिकन करी एंड जीरा राइस, और भाई रोटी खा रहा है। नाउ वी आर गोना हैव डिनर एंड कॉल इट अ डे। काफी ज्यादा रिलैक्सिंग येट घूमा तो आई विल से प्रोडक्टिव डे था, काफी ज्यादा मजा आया एंड बहुत मजा आ रहा है, लाइक आई एम लविंग द वाइब ऑफ दिस सिटी ऑल टुगेदर। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे एंड देन वी लाइक वॉच, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा है जो कि अभी नहीं, शायद से बारिश की वजह से फिर से रुका हुआ है, एंड आई विल जस्ट सर्फ यूट्यूब एंड उसके बाद वील स्लीप, एंड कल के हमारे आगे के प्लान्स हैं, तो आई विल सी यू गाइज इन अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो गिव इट अ थम्स अप, नीचे कॉमेंट्स में बताओ वट वॉज योर फेवरेट पार्ट ऑफ टूडेज व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।